और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है आप सभी के। तो दोस्तों आज सुबह मैं सो रहा था और मेरा दोस्त का कॉल आया कि बोला कि भाई 15,000 तक की रेंज में कोई बेस्ट स्मार्टफोन बताओ जिसको मैं आंख मूंद कर ले सकूं। तो फिर मैंने उसको ये बोला नहीं। उसके बाद फिर उसने ये बोला भाई। तो फिर तरस था कि मैंने उसको इन 5 स्मार्टफोनों को रेकमेंड किया और बोला कि तू भाई इन 5 स्मार्टफोन को आंख मूंद कर ले सकता है। तो जानने के लिए कि 5 स्मार्टफोन कौन से हैं, इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं। तो सबसे पहले उसको जो स्मार्टफोन रेकमेंड किया वह पोको M4 Pro 5G। इसमें आपको 6.6 इंच की LCD स्क्रीन देखने के लिए मिलती है विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग, 5 MP का डुअल कैमरा सेटअप एंड उसके साथ साथ मीडियाटेक डायनोसिटी 810 वाला एक 5G प्रोसेसर, 4GB रैम एंड 64GB की स्टोरेज सिर्फ आपको 12,999 रुपए में देखने के लिए मिलेगी। सभी स्मार्टफोन के कुछ प्रोज होते हैं एंड कुछ कॉन्स। तो इस स्मार्टफोन के प्रोज है इसका प्रोसेसर। इसका जो प्रोसेसर है एकदम मक्खन की तरह, आप इसमें आप गेम खेल सकते हैं, डेट रिलेशन में आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी बात करें इस फोन के कॉन्स की, तो अगर इस प्राइस में आपको एक एंड्रॉइड स्क्रीन देखने के लिए मिलती तो काफी तगड़ी बात होती, बट ऑल ओवर ये 15,000 तक के रेंज बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। इतना लंबा चौड़ा स्पेसिफिकेशन बताने के बाद भी उसने मेरे को ये बोला मजा नहीं आ रहा है। फिर उसके गाल पे एक तमाचा मारने के बाद मैंने उसको अगले स्मार्टफोन के बारे में बताया जो कि IQOO G6 Lite के बारे में। इसमें आपको Snapdragon 4th Gen वाला 5G प्रोसेसर मिलता है, 6.58 इंच की एक IPS LCD स्क्रीन विद 1 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड सपोर्ट करती है 18W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को, 15 MP का डुअल कैमरा सेटअप, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, वो भी कितना 13,999 रुपए में। जैसे कि मैंने बोला कि सभी स्मार्टफोन के प्रोज होते हैं एंड कुछ कॉन्स। इस स्मार्टफोन के प्रोज है इसका प्रोसेसर जो कि डेट टू डेट आपको कोई भी दिक्कत देने वाला नहीं है एंड गेमिंग भी आप हल्की फुल्की इससे आराम से कर पाएंगे, और साथ ही इसका कैमरा जो कि डे लाइट में काफी तगड़ी फोटो क्लिक करके दे देता है। और बात करें इस फोन के कॉन्स के, तो इसमें भी आपको एंड्रॉइड स्क्रीन की कमी देखने के लिए मिलती है, साथ ही इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगा एंड इसके बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर चार्जर गायब है बेकार में। बट अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन को अपना बनाने के लिए सिर्फ आपको 13,999 रुपए देना होगा। Nice. इस स्मार्टफोन का इतना सारा स्पेसिफिकेशन बताने के बाद भी मेरा दोस्त बोलता है नहीं भाई कुछ मजा नहीं आ रहा मेरे को, कुछ और स्मार्टफोन का। तो मैंने उसके लिए दिया है Moto G62। इसमें आपको Snapdragon 695 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन विद 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 240Hz तक का टच प्राइमरी रेट देखने मिलता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद सपोर्ट 20W फास्ट चार्जिंग स्पीड, 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 8GB 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, वो भी सिर्फ 15,699 रुपए में सिर्फ। तो जैसा कि मैंने बोला कि सभी स्मार्टफोन के प्रोज एंड कुछ कॉन्स होते हैं, तो इस स्मार्टफोन का प्रो या फिर कॉन दोनों बोले तो उसका है ये प्रोसेसर। इस प्रोसेसर का काफी दिक्कत देखने के लिए मिलता है चाहे वो कैमरे में, गेमिंग या फिर ऑल ओवर डे टू डे यूसेज में। बट अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश वाली एक डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जो कि 600 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे आप धूप में स्मार्टफोन को आराम से यूज कर पाएंगे। और 15,000 नीचे आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलना काफी बड़ी बात है इस प्राइस पॉइंट पर। बात तो सही है। इन 3 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन है वो भी डिटेल में बताने के बाद मेरा दोस्त ये बोलता है मजा नहीं आ रहा है। तो फिर बोला कि भाई तू रहने दे, तू फोन मत ही खरीद। फिर वो मेरे पैरों में गिर गया। फिर मैंने उसको ये बोला नहीं। तो फिर मैंने उसको फिर नंबर 2 स्मार्टफोन के बारे में बताया जो कि है Realme 9i। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 6.6 इंच की IPS LCD स्क्रीन विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 180Hz तक का टच टाइमिंग रेट देखने के लिए मिलता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4GB 64GB स्टोरेज, वो भी सिर्फ 14,999 रुपए में। तो इस स्मार्टफोन का प्रोज आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 9 5G बैंड्स को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें आपको एक 90Hz रिफ्रेश वाली फिर स्मूथ डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी एंड 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिलता है। 15,000 तक की रेंज में ऑल ओवर ये एक बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Realme की तरफ से। और बाकी बात करें इस फोन के कॉन्स के बारे में, तो इसमें आपको एक एंड्रॉइड स्क्रीन होनी चाहिए थी, इसका कैमरा थोड़ा सा और बेटर हो सकता था एंड साथ ही इसकी रैम कम से कम 6GB रैम होनी चाहिए थी। इन 4 स्मार्टफोन को बताने के बाद भी मेरा दोस्त बोलता है भाई कोई सैमसंग का स्मार्टफोन नहीं है आपके लिस्ट में। तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा रुक जा, जो लास्ट स्मार्टफोन है वो सैमसंग का ही है जो कि सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD LCD स्क्रीन देखने के लिए मिलती है विद 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, प्रथम स्नैपड्रैगन 750G वाला एक 5G प्रोसेसर, 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh बड़ी बैटरी विद सपोर्ट 25W फास्ट चार्जिंग, 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, वो भी सिर्फ 14,999 रुपए में। डिस्प्ले को छोड़कर इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी कॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसका परफॉर्मेंस बेस्ट है, इसका कैमरा बेस्ट है, इसकी बैटरी लाइफ बेस्ट है एंड साथ ही
इसका स्मूथनेस भी काफी तगड़ा देखने के लिए मिल जाता है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि इसमें भी आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने के लिए मिलेगा, वो भी सिर्फ 15,000 तक की रेंज में। तो दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। आपका कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा कमेंट बताना ना भूले, और हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।